ओम शांति। अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है? बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं। मैंने ये पढ़ाई है, जैसे उस स्कूल में भी पढ़ाई होती है, कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है। देखो पढ़ते 50, 60, 100, 150 इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पर सारे स्कॉलर नहीं होते, पर निकलते उसी में से हैं। 100 में से 50 में से स्कॉलरशिप वाले भी निकलते हैं। पढ़ाने वाला एक जैसा होता है, एक ही होता है। अब उसी तरह से परमात्मा आके हमको पढ़ाते हैं। अब सारे हम नंबर वन नहीं बनते, नंबर वार बन जाते हैं। पढ़ाने वाला एक समान पढ़ाता है। तो ये महाराजा शब्द जो है ये अविनाशी है, जबरदस्त पॉइंट है। अब एक महाराजा माना जिसके अंडर होंगे राजाएं, तो वो है टाइटल जो हम यहां पुरुषार्थ से कमा सकते हैं, वो हम पुरुषार्थ से खरीद कर सकते हैं संगम युग पर, कि हमको टाइटल मिले वहां पे महाराजा महारानी, फिर आपके अंडर रहेंगे राजा रानी। माना सत्युग से लेकर कलयुग लास्ट तक भी आप महाराजा शब्द सुन रहे हो। अब आप क्या बनेंगे आपको क्या पता, पर पुरुषार्थ ऐसा होगा तो बनेंगे महाराजा महारानी, नहीं तो राजा रानी, नहीं तो और नीचे प्रजा, फिर साहूकार प्रजा, फिर दास दासी। माना ये सारी कैटेगरी है, क्योंकि राजाई तो स्थापित हो रही है, अब राजाई में ये सारी कैटेगरी चाहिए। अब डिपेंड आपके पुरुषार्थ पे करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाके अपना नंबर लिखवा रहे हो। भगवान की आप कितनी सुनते हो, फिर उसी हिसाब से आपके अंदर संस्कार भर जाते हैं, और वही संस्कार ले जाके आप सत्युग में राज्य करेंगे या जो भी करेंगे। जितने संगम पर आपने संस्कार कमाए, जितनी आपने संस्कारों की खरीद की, उतना आपका जन्म उतना नजदीक होएगा, जल्दी जल्दी आएंगे, नहीं तो लेट आएंगे। वंडरफुल है। ओम शांति।